हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, ये वीडियो बहुत दिन बाद अब आ रही है। इसके जो पहली हमने जो इसके पहले लेक्चर्स हमने लिए थे, उसमें आपने देखा कि हम सेकेंड लेक्चर तक पहुंच गए थे। हमने कॉर्डेट शुरू कर दिया था, जिसमें पाइसेस के बारे में हमने देखा था। तो उसी के क्रम में आज देखते हैं स्कोलियोडॉन के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम में TGT और PGT के स्कोलियोडॉन के बारे में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये है स्कोलियोडॉन का पिक्चर, आपको दिख रहा है। आप जानते होंगे जो शार्क होती है, इंडियन शार्क, ये आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा। जब आप MSc में होंगे या BSc में होंगे, तो ये प्रैक्टिकल के लिए मिलती है आपको। उसमें ये वही स्कोलियोडॉन है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो यहाँ पे डायग्राम बना है उसको क्लियर करते हैं, और क्लासिफिकेशन देखिए। ये कॉर्डेट है, आपको पता है। ये वर्टिब्रेट भी है, इसमें वर्टिब्रेट पाई जाती है। गैनेथोस्टोमाटा, आप जानते हैं गैनेथोस्टोमाटा, जिसमें कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एग्नाथा और गैनेथोस्टोमाटा। तो इसमें क्या है, इसका जो माउथ, इसके अंदर इसमें जॉस पाए जाते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये कॉन्डक्टिस है, मतलब ये कार्टिलेजनस फिश है। आप देखिए, दो तरह के फिश आपको पता है, एक होती है बोनी फिशेस, एक होती है कार्टिलेजनस फिशेस। तो ये क्या है, ये है कार्टिलेजनस फिश, मतलब इसका जो अंदर का स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। और जितने भी अगर हम फ्रेश वाटर फिश देखेंगे, उसमें भी किसी में भी कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। ये केवल मरीन जितनी होती हैं फिशेस होती हैं, उसके अंदर ये कार्टिलेज पाया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये इसका हेड का रीजन है, ये इसका ट्रंक का रीजन है, और ये क्या है, ये इसका टेल का रीजन है। ओके, हेड, ट्रंक एंड टेल। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो इसके माउथ है यहाँ पे। देखिए, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको अच्छे से। देखिए, यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसका माउथ, और यहाँ पे एक पिट पाया जाता है, एक गड्ढे जैसा पाया जाता है माउथ के पास, जिसको बोलते हैं नेरेस। वो आपको बताऊँगा बाद में। ये देखिए, यहाँ पे फिशेस में लैटरल लाइन पाई जाती है। तो ये है क्या, इसकी लैटरल लाइन। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा अभी चल के, जब एक्सप्लेन करूँगा तो। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए फिन्स पाए जा रहे हैं। देखिए फिन्स, ये क्या है, पेक्टोरल फिन्स, और ये क्या है, यहाँ पे देखिए पाया जाता है एक, यहाँ पाया जाता है एक पेल्विक फिन। ये दोनों जो फिन्स होते हैं, ये होते हैं पेयर में, और जो बाकी जो अनपेयर फिन्स है वो क्या है, यहाँ देखिए एक डॉर्सल फिन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, कॉडल फिन। अब इसकी अगर हम टेल रीजन की बात करते हैं, तो इसकी में टेल कैसी पाई जा रही है, ये टेल पाई जा रही है हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल मीन्स क्या होता है, हेट्रो सर्कल मीन्स जो इसमें दोनों लोब्स पाए जा रहे हैं वो क्या है, वो अनइक्वल है। और एक पाया जाता है होमो सर्कल टेल, जैसे कि आप बोनी फिश में देखेंगे रोहू वगैरह में, तो उसमें देखिए इस तरह की कुछ टेल पाई जाती है, जो कि कहते हैं, इसको कहते हैं होमो सर्कल टेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्कोलियोडॉन, अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक। इट इज़ कार्निवोरस फिश, फीड ऑन क्रस्टेशियन, मोलस्कंस, एनलिडा एंड स्मॉल्स वर्टिब्रेट्स। ओके, स्पेंडल शेप बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, जो कि मैंने आपको बताया भी पहले। उसके बाद देखिए, हेड इज डॉर्सलो वेंट्रली फ्लैटेड। अब देखिए, डॉर्सल वेंट्रल साइड क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे फिश बनाएं, एक यहाँ पे ये देखिए फिश अगर हम बनाएं यहाँ पे, देखिए ये इसका एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर, ये उसका ऊपर क्या है, ये डॉर्सल, और ये क्या है, वेंट्रल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हेड इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। जो इसका हेड होता है वो क्या होता है, वो डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से, ये देखिए डॉर्सल साइड और इसकी वेंट्रल साइड हो गई यहाँ, तो ये क्या है, यहाँ से फ्लैट होता है। ओके, अब देखिए पर अगर हम बोनी फिश देखते हैं, जैसे कि हमने रोहू देखा है, तो उसमें क्या होता है, वो लैटरली कंप्रेस्ड होते हैं। तो इसकी बॉडी क्या होती है, हेड इज डिवाइड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, और क्या है यहाँ पे, एंड बॉडी इज लैटरली कंप्रेस्ड। जो बॉडीज की होती है वो लैटरली कंप्रेस होती है, मतलब साइड से उसकी बॉडी देखेंगे आप चपटी पाई जाएंगी, और जो हेड होगा वो ऊपर से दिखाएगा चपटा दिखाई पड़ेगा हमें। ओके, देखिए, हेड बियर्स स्नाउट विच इज ट्राइंगल। अगर इसका आप हेड देखेंगे, वो ट्रायंगल शेप का हमें दिखाई देगा पहले, अभी आपने पिक्चर देखी उसमें दिखाई पड़ रहा होगा आपको। इसमें क्या लिखा, थर्मो रिसेप्टर्स ऑर्गन ऑन डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ दिस नोट कॉल्ड एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। ये एग्जाम में पूछा गया है बार बार, ये एक थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, जो उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको, आप ही समझ में आएगा। ओके, देखिए, वेंट्रोलेटरल साइड अहेड बिहाइंड नोट बियर अ लेटरल नेरिस। ये बताया था मैंने, एक पिट जैसा पाया जाता है, गड्ढे जैसा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेरिस। ओके, देखिए, पेयर्ड आई प्रेजेंट, पेयर आइज प्रेजेंट होगा इसमें, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा। देखिए, जो ये आप वीडियोस देख रहे हैं, इसकी मैं सेम PDF
जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही मैं आपको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए आप, वहाँ से इसको आप लोड करके देख सकते हैं। क्या लिखा है, माउथ इज़ प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। देखिए आपने, आपको मैंने बताया था अभी, देखिए जैसे मान लीजिए ये फिश है, ओके, तो आप देखेंगे अगर आप रोहू देखते हैं तो उसमें फिश क्या होता है, फिश का जो माउथ होता है वो क्या होता है, एंटीरियर एंड पे होता है, ओके। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, इसमें जो माउथ होगा वो क्या होगा, वो वेंट्रल साइड पे सिचुएटेड होगा, वही यहाँ पे दिख रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिसेंट्रिक ओपनिंग। तो यहाँ पे जो माउथ होता है इसका क्या होता है, वो अर्धचंद्राकार, देख आप चांद को देखा होगा तो इस तरह की ओपनिंग कुछ होती है, देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, तो जो ये लिखा है वही मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ओके। अब देखिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, माउथ पार्ट इज़ प्रेजेंट वेंट्रल साइड, ओके हो गया। माउथ हैज़ अपर एंड लोअर जॉस, देखिए अपर एंड लोअर जॉस पाए जाते हैं, पर जो इसमें मोबाइल अपर जॉ इज़ नॉन मोबाइल, अपर जॉ जो फिक्स होता है और जो नीचे का लोअर होता है वही खुलता है और बंद होता है, ओके। जॉस गार्डेड विद दी ब्लैक बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, ओके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है होमोडोंट और यहाँ पे क्या लिखा है, पॉली फ्योडोंट। देखिए होमोडोंट क्या होता है, देखिए अगर देखिए जो टीथ अगर एक ही जैसे पाए जा रहे हैं शेप एंड साइज में देखने में, देखिए एक ही शेप पाए तो उसको क्या बोलते हैं, होमोडोंट, ओके। स्ट्रक्चर उसका सेम होता है और ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा है पॉली फ्योडोंट क्या होता है, ओल्डर टीथ रिप्लेस विद द न्यू टीथ। देखिए अगर इसका हम माउथ ऐसे देखते हैं तो ये देखिए माउथ, अगर हम इसका लोअर जॉस केवल अगर बनाए अगर इसका हम, देखिए यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे टीथ लगे होते हैं, ऐसे लोअर जॉस में टीथ लगे होते हैं, तो ये जो आगे का टीथ होता है ये क्या होता है, ये निकलता जाता है और पीछे से क्या होता है, रिप्लेस होता जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉली फियोडोंट। टंग इज़ प्रेजेंट, देखिए टंग प्रेजेंट होता है माउथ में, वो क्या होता है, नॉन मस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर एंड नॉन प्रोट्रूसिबल, मतलब वो नॉन मस्कुलर होती है, टीथ प्रेजेंट होता है पर वो प्रोट्रूसिबल, वो बाहर नहीं आ सकती, वो माउथ के अंदर ही रहती है उसके, ओके। अब देखिए यहाँ लिखा है कि जस्ट बिहाइंड माउथ लेटरल साइड द हेड रीजन फाइव पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, फाइव पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं उसके साइड में। अब देखेंगे अगर आप हम कंपेरिजन कर बताएं अगर बोनी फिशेस से, तो बोनी फिशेस में क्या होता है, देखिए जैसे हम ये फिश फिर बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं, किस में, यहाँ पाए जा रहे हैं गिल स्लिट्स, फाइव पेयर में गिल स्लिट, पाँच इधर और पाँच उस साइड, लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड, तो यहाँ पे जो गिल स्लिट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब देखिए जो बोनी फिश होती है उसमें क्या पाया जाता है, आपने जब फिश देखते हैं, बोनी फिश देखते हैं, रोहू वगैरह देखते हैं, जो जिस तरह के डायग्राम हम लोग बचपन बनाते थे वही फिश यहाँ हम लोग ऐसे करते हैं, तो ये क्या है, ये इसका ऑपरकुलम का पार्ट है। अब पर अगर हम इसको देखते हैं कार्टिलेज फिश को, तो उसमें क्या पाया जाते हैं, गिल स्लिट्स, ऑपरकुलम वहाँ पर नहीं दिखाई देगा आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड, देखिए आपके लिखा जनरल करेक्टर्स ऑफ स्कलोडॉन, ठीक। यहाँ पर लिखा है कि ट्रंक रीजन विच लेटरली कंप्रेस्ड बियर टू पेयर फिन्स एंड ट्रेलर, जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, पर देखिए अब यहाँ पर डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा आपको, डाइमॉर्फिज्म देखने को क्या मिलेगा, देखिए ये तो ऊपर जो जितना लिखा हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन्स। अब देखिए यहाँ लिखा है मेल बियर्स अ क्लास्पर्स, क्या लिखा है, बिसाइड द क्लोएका, देखिए यहाँ पर लिखा है क्लोएका, देखिए क्लोएका क्या होता है, सॉरी जो जेनिटल पोर होता है वो एक होता है और जो एक्सक्रीशन के लिए पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, जैसे एनस अलग होता है और बाकी सब पोर्स होते हैं वो अलग होते हैं, पर जो क्लोएका होता है वो क्या होता है, वो कॉमन पोर होता है, यूरोजेनिटल पोर जिसे कहते हैं हम लोग, जो यूरोजेनिटल पोर मतलब इसमें रिप्रोडक्शन के लिए भी एक ही पोर है और जो कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीशन के लिए भी यहाँ पर एक ही पोर है, इसको बोलते हैं क्लोएका, ओके। देखिए विच इज़ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन, ये जो क्लास्पर्स है ये क्या है, देखिए जब नीचे हम फिश देखते हैं, फिश में यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं मेल्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लास्पर्स, देखिए यहाँ पे पिक्चर में यही है क्लास्पर्स, जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, फीमेल्स और मेल्स को, देखने में अगर हम बाहर देखें तो पहचान सकते हैं कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने पहले बताया था वही यहाँ पे देखिए, टेल इज़ ऑल्सो लेटरली कंप्रेस एंड हेट्रोसल्का टेल, देखिए हेट्रोसल्का टेल जानते हैं आप कैसे होते हैं, देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, दोनों जो लोब्स हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग हैं, दोनों अनइक्वल हैं, पर जो होमोसर्कल टेल्स होते हैं जैसे कि आपने रोहू बताया मैंने आपको, देखिए उसमें देखिए ऐसे दोनों लोब क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ओके, तो वो क्या है, होमोसर्कल टेल्स। होल बॉडी इज़ कवर्ड विद द प्लेकॉइड स्केल, ओके।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्ले कार्ड स्केल, आगे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में। अभी ये प्ले कार्ड स्केल है, जितनी भी यहाँ पे फिश हम ये पढ़ रहे हैं अभी स्कोलोडॉन, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा प्ले कार्ड स्केल। इसके बाद भी और स्केल्स होती हैं, जैसे कि रोहू वगैरह हम देखें वो अलग स्केल पाई जाएंगी, उसको बोलते हैं साइक्लॉइड स्केल, गैनॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल, तो वो मैं आपको बताऊँगा जब पढ़ाऊँगा आपको बोनीफिशेस। ओके चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए ये है प्लेकॉइड स्केल जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी हम, बॉडी इज, सॉरी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए क्या लिखा है, बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकॉइड स्केल, तो ये जो स्केल है ये क्या है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्लेकॉइड स्केल। देखिए ये पूरा डर्मिस के अंदर ये धसी हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेकॉइड स्केल। ओके देखिए प्लेकॉइड स्केल, दो ये स्केल दिख रही है आपको यहाँ ए और बी डायग्राम में, ये क्या है प्लेकॉइड स्केल है। और यहाँ लिखा है रोम्बॉइडल प्लेट्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, देखिए जो ये जो रोम्बॉइडल प्लेट है ये क्या है, बेस पे इसके प्रेजेंट है, ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, प्लेकॉइड स्केल आर डर्मिस विच इज मीडियन स्पाइंस टू लेटरल स्पाइंस। ओके देखिए एक मीडियन स्पाइंस है, टू लेटरल स्पाइंस है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। ओके फिर लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ, ये लिखा है सरफेस फाइबर्स इट रूटेड इन डर्मिस। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, ये लिखा है ना, ये लिखा है सरफेस फाइबर्स, तो यही जो फाइबर्स है इससे क्या है, ये रूटेड है यहाँ पे डर्मिस के अंदर, यहाँ पे ये अटैच है। ओके यही यहाँ पे बोला गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके देखिए मैं पूरी नोट्स यही सेम मैं डाल दूंगा उस पर टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक और नोट्स मैं डाल दूंगा उसको भी आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखिए जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो वो मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंड विद द एनस, ये कॉमन सी बात है, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, बगल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, माउथ, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये पाया जाएगा इसमें। ओके अब देखिए जो माउथ की ओपनिंग है वो बताया मैंने, क्रिसेंट्रिक यहाँ पर ओपनिंग दिखी थी, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, ये किस तरह दिख रहा है, ये आज चांद की तरह दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिसेंट्रिक शेप या क्रिसेंट्रिक ओपनिंग। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बक्को फेरेंजियल कैविटी वाइड ओपनिंग विथ, देखिए यहाँ स्टमक लिखा है इसमें, स्टमक में क्या लिखा है, इट इज़ टू चैम्बर्स इंटीरियर वाइड, एंड देखिए जो ये पार्ट है इसको बोलते हम लोग क्या, इसको बोलते हम लोग कार्डियक स्टमक। ओके जो वाइड होता है, बड़ा होता है, और पार्शियली डाइजेस्टेड अगर इन HCl एंड पेप्सिन, देखिए मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो इसी कार्डियक स्टमक के अंदर हो जाता है, और जो अगला स्टमक बचता है जिसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक स्टमक, ये देख रहे हैं आप, ये रीज़न बहुत ही पतला सा, जो ये क्या है, ये क्या है, ये पाइलोरिक स्टमक का रीज़न है जो कि डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। अब देखिए इंटेस्टाइन एंटीरियर पोर्ट लिखा है इसमें, ड्यूडनम वेयर रिमेनिंग डाइजेशन अकर विद दी हेल्प ऑफ बाइल, ये आप कॉमन से टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ सकते हैं, पर देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो यहाँ की इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाएगा बार बार। देखिए एब्जॉर्प्शन अकर इन नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प ऑफ, ये लिखा है ना स्क्रॉल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है ना विच आर टू एंड हाफ एंटी क्लॉक फोल्ड्स इंक्रीजेज एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये देखिए मैं जो टॉपिक में जैसे डाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है तो यही है, और पाइलोरिक स्टमक और कार्डिक स्टमक, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बताऊँ। और स्क्रॉल वॉल्व जो है ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये किस तरह से होता है, देखिए इसका इंटेस्टाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इंटेस्टाइन है इसका, इसी के अंदर वो देखिए इस तरह की फोल्डिंग जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह की फोल्डिंग्स यहाँ पाई जाती हैं, इसको बोल हम लोग स्क्रॉल वॉल्व, यही क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है, और एरिया का एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या करता है ये बढ़ा देता है, और बाकी सब चीज़ें देखिए यहाँ पे बिल्कुल कॉमन ही है, कोई एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट नहीं लगाना आपको, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो इसमें लिखा है कि रिस्पायरेटरी अकर थ्रू, सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ है, रिस्पायरेशन अकर थ्रू फाइव पेयर्स गिल स्लिट्स लेटरली प्रेजेंट एट द जॉइन ऑफ हेड एंड ट्रंक रीजन। ओके चलिए इस डायग्राम को हम लोग बड़ा करते हैं, देखिए ये क्या है, ये इसका जो गिल्स है वो यहाँ पाया जाता है इसके लेटरल साइड पे, देखिए ये जो इस तरह का डायग्राम बना है ये क्या है ओपन है, और ये क्या है ये गिल स्लिट्स क्या है इसके क्लोज हैं। ठीक इसमें देखिए क्या पाया जा रहा है, इसमें फाइव पेयर्स पाए जा रहे हैं, देखिए जैसे एक दो तीन चार पाँच,
एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें पांच पेयर पाए जा रहे हैं क्या, गिल्स पाए जा रहे हैं पांच पेयर, और वो अलग अलग तरीके के हैं। देखिए इसमें जो गिल लैमली है इसमें एक ही साइड है, इसमें दोनों साइड है, इसमें एक साइड है, इसमें देखिए सब में दोनों साइड है, पर जो इसमें है वन पेयर क्या है, वन पेयर है जिसमें कि एक ही साइड पाई जा रही है, और बाकी जो है इसमें क्या है दोनों साइड पाई जा रही हैं गिल लैमली। ओके चलिए इसको अब देखते हैं हम लोग ऊपर डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, देयर आर फोर पेयर्स विथ कंप्लीट सेट्स ऑफ गिल लैमली कॉल्ड, क्या होता है इसको कहते हैं हम लोग होलोब्रैंक। होलोब्रैंक इसको बोलते हैं जो कि कंप्लीट होते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, और जो इनकम्प्लीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हेमीब्रैंक। ओके ये पूछेगा एग्जाम में, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है। अब देखिए क्या है, गिल लैमली आर एक्चुअल साइड वेयर गैसेस एक्सचेंज। देखिए जो गिल लैमली है इसमें जो साइड में दिख रहा है गिल लैमली दिख रहा है, यही क्या है एक्चुअल साइड है जहाँ पे क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसका। देखिए स्कोलोडॉन हर्ट, ओके देखिए स्कोलोडॉन का जो हर्ट है उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट पहले देखने से पहले आप जानते हैं कि जो चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं। जो मेनली चैम्बर्स होते हैं वो दो तरह के चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। पर अगर हम बात करते हैं फिशेस की तो उसमें चैम्बर्स तो दो होते हैं मेन, पर एसेसरीज चैम्बर ही पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग साइनस विनोसस, और इसको बोलते हैं क्या कोनस आर्टेरियोसस। ये क्या है साइनस विनोसस और यहाँ पे क्या कोनस आर्टेरियोसस। ओके ये क्या है, ये एसेसरीज चैम्बर्स पाए जाते हैं इसमें। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए हर्ट, देखिए पहला पॉइंट देखिए लिखा है हर्ट एनक्लोज इन पेरिकार्डियल कैविटी विद पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये सभी के अंदर कॉमन होता है, ये कोई नई बात नहीं। देखिए पर क्या लिखा है, हर्ट इज़ वेंट्रली इन वेंट्रल इन पोजिशन, तो देखिए बॉडी के जो वेंट्रल साइड होता है उस पोजिशन पे होता है ये। एंड टू मेन चैम्बर्स, देखिए जो मैंने बताया पहले टू मेन चैम्बर्स ऑरिकल एंड वेंट्रिकल अलॉन्ग विद टू मोर चैम्बर्स प्रेजेंट, क्या लिखा है साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस। ये याद रखिएगा आप, चार इसमें चैम्बर्स होते हैं, दो एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं इसमें। ओके इसमें लिखा है हर्ट ऑफ स्कोलोडॉन कंसर्ट विद ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही केवल रखता है अपने पास, कैसे रखता है ये भी आप आगे देखेंगे और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अभी एक बार। देखिए फिर क्या लिखा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स टू हर्ट थ्रू, क्या लिखा है क्यूवेरियन डक्ट एंड हेपेटिक साइनस, जितने भी ये डक्ट्स होती हैं जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो फर्स्ट चैम्बर जो होता है वो लिखा है साइनस विनोसस, उसमें ये क्या करती हैं पोर करती हैं, फिर साइनस विनोसस से क्या होगा इंटर इन द ऑरिकल एंड देन वेंट्रिकल एंड मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ कोनस आर्टेरियोसस लेटरल पास इनटू द आर्टरी सिस्टम। ओके चलिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए बताया था मैंने, देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्यूवेरियन डक्ट और ये है ये साइनस विनोसस, तो जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा पहले कहाँ आएगा इस साइनस विनोसस में आएगा, और फिर क्या लिखा था यहाँ पे देन इनटू ऑरिकल देन वेंट्रिकल, उसके बाद कहाँ जाएगा ये, उसके बाद जाएगा ये ऑरिकल में और फिर कहाँ जाएगा, देखिए उसके बाद कहाँ जाएगा ये ऑरिकल में और फिर क्या जाएगा यहाँ पे वेंट्रिकल विच इज़ मेन पंपिंग ऑर्गन। ओके तो यहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकल्स होता है वो कहाँ चला जाएगा पूरे सॉरी गिल्स में चला जाएगा, और गिल्स से क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फिर जो होगा वो पूरे बॉडी में जाएगा, और जब वापस इससे जो ब्लड आएगा वापस इससे हार्ट के अंदर ब्लड जो आएगा वो क्या होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देख, आर्टरीज आर ग्रुप इनटू एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरीज। ओके एफरेंट आर्टरीज कलेक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जितनी भी दो आर्टरीज में पाई जाएंगी क्या लिखा है ये एफरेंट और इफरेंट, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हर्ट से कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू कहाँ जाएगा, वो जाएगा इस एफरेंट में, और इफरेंट क्या होगा ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा कहाँ पे गिल्स में चला जाएगा, वही क्या है वहीं पे इसका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, देयर आर फाइव एफरेंट ब्रैंकियल आर्ट, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, यही है एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज जो कि कन्वेइंग ब्लड टू रिस्पेक्टिव गिल्स, जो कि अपने अपने गिल्स में क्या करता है ये लेकर चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन के लिए। ओके
देखिए, और एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं क्या, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज विच कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, जो कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स से लेता है और क्या करता है उसको वापस पहुंचाता है कहाँ पे, जितने भी ऑर्गन्स होंगे उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा। ओके चलिए, तो ये हो गया, कॉमन सी चीज़ें हो गई, जो बाकी इसको आप देख लीजिएगा, स्लाइड आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है, वेनस सिस्टम। देखिए फिर वही है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार इसको देखना पड़ रहा है। क्या लिखा है, वेनस सिस्टम इंक्लूडिंग द वेन्स इट इंक्लूडिंग साइनस एंड, और क्या लिखा है यहाँ पे, लेक्यून्स। ओके, विच कलेक्ट द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था अभी, फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पोर दिस ब्लड इंटू द साइनस विनोसस। ओके, साइनस विनोसस में ये पोर कर देगा ऑफ हर्ट फॉर पंपिंग टूवर्ड गिल्स एंड दिस वेन्स इंक्लूडिंग हिपेटिक साइनस। देखिए जितने भी वेन्स होते हैं, जो मैं आपको पहले दिखाया था अभी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसी की बात कर रहा है, क्यूबन डक्ट, हिपेटिक डक्ट, ये क्या है, ये कहाँ साइनस विनोसस में जाकर क्या कर देगा, इसको पोर कर देगा, उसी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्क्लेरोडॉन का जो नर्वस सिस्टम है वो आप जानते हैं कि इसके अंदर इट इज़ मेन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। देखिए इसमें तीन तरह के पाए जाते हैं इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए ब्रेन ऑफ स्क्लेरोडॉन प्रेजेंट डॉर्सल साइड ऑफ द हेड, तो डॉर्सल ही पाया जाएगा ये ब्रेन। ओके, इट कंप्राइजेस थ्री पार्ट, मेनली ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। देखिए इसको मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये TGT और PGT का सिलेबस है, ये आपका एकेडमिक क्लास नहीं है, इसलिए यहाँ पे इतने डिटेल में नहीं जाना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, मिड ब्रेन में क्या होता है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए यही एग्ज़ाम में आएगा। देखिए फोर ब्रेन कंटेनिंग क्या करता है यहाँ पे, ऑल्फैक्टरी लोब, डेंसिफ्लॉन और सेरेब्रम। तो फोर ब्रेन में क्या क्या होगा, ऑल्फैक्टरी लोब्स, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ऑल्फैक्टरी लोब्स है यहाँ पे, ऑल्फैक्टरी लोब है यहाँ पे, डेंसिफ्लॉन है और क्या यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सेरेब्रम। ओके, मिड ब्रेन में क्या क्या है, मिड ब्रेन कंटेनिंग ऑप्टिक लोब्स एंड, देखिए यहाँ पे ऑप्टिक लोब, सॉरी एक ही ऑप्टिक लोब है केवल यहाँ पे, और क्या, हाइंड ब्रेन कंटेनिंग सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यहाँ पे जो हाइंड ब्रेन होगा वो वहाँ पे क्या क्या होगा, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल्फैक्टरी लोब्स आर हाईली डेवलप, ऑल्फैक्टरी लोब तो हाईली डेवलप होगा इसीलिए इसको डॉग फेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हाईली डेवलप एंड सो द सेंस एंड स्मेल इज़ वेरी वेल इन स्क्लेरोडॉन, इसीलिए इसको हम लोग डॉग फिश बोलते हैं क्योंकि इसका स्मेल जो होता है, पावर होता है वो बहुत ही हाई होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप हाईली ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए वेल डेवलप है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सैक एंड ऑल्फैक्टरी लोब। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ देखिए क्या है, क्रेनियल नर्व्स। देखिए 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स अराइज होती हैं और जीरो टर्मिनल जो कि बाद में खोजी गई इसको बोलते हैं प्री ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो पहली कौन सी नर्व है इसमें, ऑल्फैक्टरी, आप ये डायग्राम बना है मैं आपको नोट्स दे दूंगा उससे आप जाके देख लीजिएगा। पहला ऑल्फैक्टरी लोब है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाया था इसके पहले डायग्राम में, ऑल्फैक्टरी। दूसरा नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व। तीसरा क्या है, ऑकुलोमोटर। फिर यहाँ पे फोर्थ क्या है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, पैथिक नर्व। इस तरह से 10 नर्व हैं, जो कि 10वां नर्व क्या है, वेगस नर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लीजिएगा। ओके चलिए, ये पूरी लेक्चर कंप्लीट करना इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ आपको आ जाए। एक ही देखिए, अब सेंस ऑर्गन से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आएगा, तो सेंस ऑर्गन क्या क्या है, आई क्या होता है, फोटो रिसेप्टर आपको पता है, सेंस फॉर विजन, इंटरनल ईयर, मेम्ब्रेनस और कैसे को बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रिथिन। ओके, ये क्या है, स्टैटो ऑकोस्टिक ऑर्गन, मतलब ये क्या करता है, ये बैलेंसिंग और सुनने, ये भी ये क्या करता है, ये बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों काम करता है, इसको बोलते हैं क्या, स्टैटो ऑस्टिक ऑर्गन, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। ये लिखा है एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये थर्मो रिसेप्टर्स है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन किस लिए होता है, स्मेल के लिए होता है आपको पता है, और लेटरल लाइन ऑर्गन क्या है, ये डिटेक्टिंग वाटर करेंट, ये मैं आपको बताया जब पहला लेक्चर पढ़ा था लेटरल लाइन के बारे में।
ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें लिखा है। स्क्लोडॉन की आइस, स्क्लोडॉन की आइस यहाँ पे है, इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा इसी तरह से, पर कोई हमको नहीं लगता कोई इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, पर ये पार्ट है उसको पढ़ाना इसलिए मैं बता देता रहा हूँ। सेकेंड ऑप्टिक नर्व कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट टू द ऑप्टिक लोब ऑफ टू मिडब्रेन। ओके ये देख लीजिएगा आप, ये मैं आपको नोट दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा, कोई इसमें टिपिकल चीज़ नहीं है। ओके ये है इंटरनल ईयर। ओके ये क्या है ऑर्गन, ये बैलेंसिंग के लिए ऑर्गन है। ओके देखिए ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट था बैलेंसिंग और हियरिंग के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्टेटोस्टिक ऑर्गन इंटरनल ईयर के, किसको। ओके चलिए बारिश होने लगी, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई पड़ रहा होगा। ये क्या है एम्पुला फ्लोरिंजिनी, ये पाया जाएगा जो उसका स्नाउट का रीज़न होगा, यहाँ पे स्नाउट का जो रीज़न होगा यहाँ पे क्या पाया जाएगा एम्पुला फ्लोरिंजिनी, जो क्या क्या होता है थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन यहाँ पे होता है। ओके जो कि सिलेंडर शेप, इसका शेप देख लीजिए आप इसको भी इसी नोट से जाके पढ़ लीजिएगा। ओके अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये फूड के लिए यूज़ होता है कोस्टल रीजन में, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक्वेटिक फूड चेन के लिए है, जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है ये बहुत ही सिंपल है आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। लीवर ऑयल ऑफ स्क्लोडॉन इज़ यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ कोड लीवर ऑयल विच इज़ रिच इन विटामिन ए डी। तो इसीलिए मैंने आप इसको बहुत ही स्पीड से पढ़ाया, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, और इसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके तो आप इसको स्पीड सही से देख लीजिएगा, और जो ये नोट्स है मैं आपको डाल दूँगा टेलीग्राम पे, उसमें जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह की मैं वीडियो लाऊँगा, क्योंकि वाइट बोर्ड पर मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत है मुझे। ओके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।